हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू शर्मा, नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हैं, मेरे पास जो है एक 10 इंची का सब ऊपर यहां पे पड़ा हुआ है। देख सकते हैं ये 10 इंची का है दोस्तों, और इसका ये जो यहां पे ऐसा लगा हुआ था, ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा इसका बेस आता है। तो दोस्तों ये जो है स्पीकर, ये होम थिएटर का है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो स्पीकर, इसमें का जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका कनेक्टर है जो ये टूट चुका है अंदर से। ये अंदर से इसका वायर जो है निकल चुका है ये यहाँ से, ठीक है। तो अभी इसको कनेक्शन करेंगे। तो अगर मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी पे क्लिक कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो में जब डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आइए वीडियो को चालू कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसमें जो है सबसे पहले जो काम करेंगे, इसको देखिए, मैं इसको पहले चेक कर लूँगा कि जो हमारा स्पीकर है ये परफेक्ट है या नहीं है, कि ऐसे ही मतलब हमको हमको मिला है, बस हम उसको सही हो सकता है इसको हम कनेक्शन कर दें और चले ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको जो यहाँ पे दो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पे टच करेंगे पहले हम। देखिए बीप का साउंड आ रहा है, यानी हमारा स्पीकर ठीक है। और जब भी यहाँ पे आप टच करें तो यहाँ पे देखिए शोल्डर लगा हुआ है, और ये जो है यहाँ से खींचने की वजह से यहाँ पे जो है इसका पेस्ट निकल, मतलब जो कवर वो होता है, इंसुलेशन होता है वायर का, कॉपर वायर, इसमें जो कॉपर वायर से रहता है, इसका जो इंसुलेशन होता है यहाँ से निकला हुआ है। तो इसलिए मैंने टच कर लिया, इसको रगड़ना नहीं पड़ा। तो अगर इंसुलेशन लगा है तो उसको क्लीन करके तब आप टच कीजिए, ठीक है। तो अभी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको साइड में रखते हैं, और अब हम क्या करेंगे स्पीकर को, ये वाला पॉइंट है जो जो अब दूसरा वाला पॉइंट जो कि हमारा एकदम सही है, इसको हम पहले बाहर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमें इसमें अच्छे से दूसरी पॉइंट को जो है इसमें कनेक्शन करना होगा, क्योंकि अभी ये जो पॉइंट है इसमें, जो अभी फिलहाल में ये पॉइंट सही नहीं है इसका। तो हमें इस तरीके इसका जो है बाहर इसको निकाल के, और हमको अच्छे तरीके से इसको दूसरा पॉइंट इसमें लगा के, और इसको अच्छे तरीके से हमें इसमें कनेक्शन करना होगा, ताकि कोई प्रकार का बाद में फिर तक प्रॉब्लम ना हो और आज अच्छा से चले, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम जोर से खींच देते हैं और कॉइल का जो वायर है अंदर से टूट जाता है, फिर हमें होती है परेशानियाँ, और बाद में जो है हमें पता चलता है कि कॉइल को भी चेंज करना पड़े, ठीक है। दोस्तों इसमें कभी कभी इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, जब जल्दी जल्दी में जो है आदमी जो है कुछ गलत कर देता है, ठीक है, और प्रॉब्लम बड़ा क्रिएट हो जाता है। तो इसका जो वायर है दोस्तों बहुत ही अच्छे मतलब क्वालिटी का, थोड़ा सा मोटा है, तो जल्दी तो टूटने वाला नहीं है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सावधानी रखें थोड़ा इसमें, इस चीज़ का, ठीक है, आपको यही जो है सावधानी इसमें रखनी है। अभी जो हमारा होल है ये बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ पे सुराग मैंने कर दिया है और एक यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो हमारा वायर इसमें आराम से चला जाएगा, नहीं चला जाएगा तो और इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और इस सबसे पहले एक चीज़ और, इसके अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए इसके अंदर। फिलहाल तो इधर देख रहे होल है, बट इसके जो साइड में जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे साइड में जो गैप होते हैं, थोड़े थोड़े गैप जो ऊपर नीचे करता है, ये अप डाउन करता है, तो यहाँ पे कुछ है कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फंस के जाम हो जाएगा उसमें। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक जो वायर लेते हैं जो इसमें से इस तरीके का वायर रहेगा, इस वायर को लेके इसमें दूसरा नया वायर लेके कनेक्शन करेंगे। तो देख सकते हैं मेरे पास जो है ये वायर पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको ले लेता हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, उससे भी ज़बरदस्त है, मोटा है थोड़ा, इसका डाया थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, देख सकते हैं इससे भी मोटा है, तो बढ़िया वायर है इस, ये और अच्छा से काम करेगा, ठीक है। तो हम इसको नाप के इसमें कट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि हमको कितना बड़ा रखना होगा, एक छोटा सा एक अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये कनेक्टर है, हमको कनेक्टर में ही कनेक्शन करना पड़ेगा। तो पहले कनेक्टर को हम लगाएंगे, उससे पहले हम इसमें वायर को लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो वायर है हम इसमें ऐसे डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और हम अभी क्या करेंगे कि इसमें जो है इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। तो चलिए इसमें सोल्डर कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा कनेक्शन हो चुका है अच्छे तरीके से, और इसको नीचे से खींच के हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, और हम जो है
इसको कट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम मोड़ लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, देखिए इतना मोड़ने के बाद यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, ये निकल कट चुका है। अभी हम इसके अंदर भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होल कर देते हैं। इधर से हम पीछे से इसको डाल लेंगे। तो ये चला गया है, इसको खींच लेते हैं, देखिए। ठीक है, ये भी हो चुका है। और ये जो वायर निकला हुआ है यहाँ पे, इसको हम इसमें कनेक्शन कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इसको इसमें जोड़ लेते हैं, इसे मोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरा जो है पेस्ट लगा के, ग्लू लगा के इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए बराबर लग गया है, और इसको यहाँ से नवा पे काट लेते हैं। इस तरीके से इसको देखिए, तरीके से नवा पे इसको काट लेंगे। ये हो चुका है, अब हमारा दोनों वायर जो है बराबर कनेक्शन हो चुका। ठीक है, इस तरीके से। और अब फिर से हम मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वायर जो कनेक्शन हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं हमारा बीप आ रहा है, और हमारा वायर बिल्कुल सही है, कनेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये जो अभी हिलेगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइट नहीं है, इसका जो कनेक्टर है यहाँ पे, ये कनेक्टर को हमें बाहर निकालना होगा। ये कट करके इसमें दूसरा, देखिए मैं कनेक्टर टूट गया था, तो मैं एक जुगाड़ से बनाया हुआ था यहाँ पे कनेक्टर, क्योंकि दोस्तों मैं मार्केट से नहीं लाया शायद, तो मैंने जो है घर पे इसको बना लिया है। ठीक है, टूटे हुए पीसीबी से देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, और इसमें ऐसे फिट कर लेंगे। ठीक है, और ये चलते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं बीच वाले जो है यहाँ पे मैंने ऐसे घिस के अलग अलग कर दिया, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए अभी जो है इसको हम काट के बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर निकल चुका है, और इधर से ठोक के देखते हैं निकल जाए तो। देखिए ये निकल रहा है, देखिए ये निकल चुका है। ठीक है, इस तरीके से, इसमें हम इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक मैंने रिपीट ले लिया है, और इसको इस तरीके से इसमें ऐसे फिट कर लेंगे। ठीक है, तो ये छोटा होगा तो देख लेते हैं, बड़ा लगता है तो मैं इसमें बड़ा लगा दूँ, क्योंकि दोस्तों क्या है, ये बड़ा रहेगा तो दोनों साइड से अच्छे से फिटिंग आएगा, और ये खराब नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं, देखिए ये वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको रख लेते हैं छोटा वाले को, और बड़े वाले को ले लेते हैं, इस तरीके से इसमें हो जाएगा। और ये देख सकते हैं रिपीट मशीन है, तो अभी हम इसमें इसको फिट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें इसको ऐसे डाल के, दोस्तों एक जुगाड़ है, जुगाड़ से ही आपको काम करना है। अगर नहीं मिलता है तो आप टूटे हुए पीसीबी से आराम से इस तरीके से आप जुगाड़ बना सकते हैं। देखिए देखिए इस तरीके से, देखिए ये जुगाड़ बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, अभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे काम हो गया अपना, ये लग गया है।
ये मजबूत हो गया अभी, ठीक है। और इसका जो होल है यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने छोटे छोटे होल किए हैं, इस होल को थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे ताकि जो हमारा वायर है वो सही तरीके से इसमें अंदर चला जाए। और इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है तो टूट भी सकता है, तो इसको ऐसे पकड़ के करेंगे, नहीं तो सारा जो है मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी एक एक वायर को हम देखिए ये देख लेंगे, इसको यहाँ पे लगाना है, इसको यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं इसको। देखिए ये जो वायर है अभी हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। देखिए इसमें मैंने डाल दिया है और इधर से इसको इसमें डालेंगे। ये नहीं जा रहा है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। मैंने दोस्तों डबल होल इसलिए किया है ताकि अच्छे से इसमें कनेक्शन हो पाए, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसमें ये अपना ये लग गया है, दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। जहाँ वायर ऊपर उठा है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा लगा देना है ताकि जो है वाइब्रेशन से जो है ये निकले ना, ठीक है। तो दोस्तों ये स्पीकर मैंने रिपेयर कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसमें कुछ सीखने को आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।